हेल्थ इशू की वजह से होती है, MLC और SLC, क्योंकि मुझे लगता है इसका SLC क्वालकॉम का सेट है ये, तो क्वालकॉम में SLC भी डैमेज होने की वजह से ये सेट लोगो पे आ जाता है, पर जनरली MediaTek होता तो SLC डैमेज होने पर ये डैडी हो जाता, बट यहाँ पर ये लोगो पर भी आ सकता है, सो हेल्थ का इशू हो सकता है। Whenever recording is starting, so hardware used by some other app. Okay, तो एक बार रिसेट करके देखो, नॉर्मल फ्लैश करो, ये कुछ बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। वन रिपोर्ट इससे जा, सो SLC नॉट डिफाइंड एंड MLC 10-2, भाई SLC इज नॉट डिफाइंड है तुम्हारा हेल्थ, तो भाई कैसे बनाएगा ये, कैसे होगा? आई ट्राई टू GP पार्टी वन, सेम प्रॉब्लम, चेंज योर MMC देन व्हाट, नथिंग एल्स। वाह, अरे वाह, देखो मैंने लिखा कि तुम अपनी पूरी लाइफ देनी होगी यार, पूरी लाइफ, आप कितने समय में सीख सकते हो, ये कोई सब्जी बना रहे हो क्या? कुछ समझ में नहीं आया, इनने कहा है ऑनलाइन ट्रेनिंग की है, कुछ समझ में नहीं आया, और अच्छे से लिए तो आपके ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ रिव्यू देखकर, भाई मेरे अगले दिन ज्वाइन कर ले, अगले दिन। और शुभम कुमार, मैं इस वीडियो में तेरे को 100% की गारंटी देता हूँ, शुभम कुमार को बस, और किसी को नहीं, बाकी मेरे इंस्टीट्यूट जो बैठे हैं उनको भी नहीं, सिर्फ शुभम कुमार को, कि अगर तुम आएगा ना चौथे दिन या तीसरे दिन में पूछूंगा पैसे वापस चाहिए ना, तो तू मांगेगा तो दे दूंगा, ये सिर्फ शुभम कुमार के लिए, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। बक लाइन पे कितना वोल्टेज आता है, वाह वाह, बक लाइन पे वोल्टेज, अगर मैं आपको बोलूँ बक लाइन पे 0.7 आता है या 0.9 आता है या कुछ मिनिमम से मैक्सिमम बताऊँ, और मान लो नहीं आया तो आपका अगला सवाल फिर आ जाएगा, सर कहाँ से आता है? अगर मैं बोलूँ पावर से आता है, फिर अगला आ जाएगा, पावर चेंज कर दिया अभी भी नहीं आया, फिर मैं बोलूँ फीडबैक आता है उसको CPU से, फिर CPU, तो यार सब सवाल ही सवाल करने हैं, तो सीख लो ना यार। तो ये तो यार अमेजोन में मिल जाएगा 250-300 रुपए का, फोटो खींच लो, निकालने से पहले आपको देखना चाहिए था ना कि आप नैंड निकाल रहे हो, और फिर उसको आपने डाटा वाट, फिर नैंड निकाल दी और उसके बाद दूसरी भी लगा दी, बिना कैसे कैसे दूसरी लगा देते हैं, मतलब सही नॉलेज नहीं है आपको, ये मैं समझ सकता हूँ। अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो, क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? उसका CPU निकाल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1। Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं। सो हाय माय YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों पिछले वीडियो का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, आइए उन कमेंट के रिप्लाई करते हैं, और टाइम को जितना हो सकता है उतना बचाएंगे और कमेंट पर रिप्लाई करेंगे। सबसे पहला कमेंट, जैसे कि आप यहाँ पे मैं पढ़ पा रहा हूँ, अभी 10 घंटे पहले ही आया है, अजमर रजा, ग्रेट वर्ड, थैंक यू अजमर। और रौनक शर्मा का आया, सर DC मीटर रीडिंग से डैड या माइनर शॉट ढूंढने का तरीका बताइए। तो मैंने उसमें कुछ लिखा भी है, मैं देख लेता हूँ कि तुम्हें क्या लगता है कि सब कुछ एक वीडियो में बताया जा सकता है, अगर ऐसा कुछ है तो वीडियो में 1,00,000 वीडियो के ऊपर डाले, सर्च करो, बिल्कुल। और रौनक, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि भाई अगर एक वीडियो में ये सारी चीज़ें बताई जा सकती तो मुझे लगता है कि किसी भी कोर्स का कॉन्टेंट 10 दिन भी क्यों होता, 2 दिन होता, हर एक घंटे में एक सेक्शन ख़त्म करो भैया, अगला सेक्शन, एक घंटा चलो वाईफाई ख़त्म करो अगला, ऐसा होता ना रौनक तो वही बहुत आसान होता, इस रिपेयरिंग की ना इतनी फीस होती, ना इसकी इतनी डिमांड होती। आप डिमांड समझते हैं किसकी डिमांड किसके सबसे ज़्यादा होती है, जो चीज़ सबसे कम होती है। सो यहाँ पर टेक्नीशियन की डिमांड इतनी ज़्यादा है, पैसा क्यों इतना ज़्यादा मिलता है, क्योंकि नॉलेज कम है लोगों को, टेक्नीशियन बहुत ज़्यादा है, हर एक दुकान में 5 लोग बैठे हुए हैं, एक देख रहा है, एक कर रहा है, एक सपोर्ट कर रहा है, एक ट्विजर पकड़ा हुआ है, पर करने वाला एक ही है, नॉलेज कम है सर। तो नॉलेज जिनका बेस्ट होगा वही कमा रहे हैं, बाकी सब बैठे हुए हैं और पे कर रहे हैं अपने मोबाइल को और बंद कर रहे हैं सर, सीधी सी बात है। सो रौनक, यूट्यूब से अगर ये समझा जाता, सो भाई IIT या जितने भी बड़े बड़े कॉलेज होते हैं, जो IPS IAS करवा रहे हैं, जो इंस्टीट्यूट होते हैं, वो सब बंद हो जाते और यूट्यूब से दुनिया सीख रही होती और घर बैठे सारे कॉलेज बंद हो जाते, तो तुम्हारे को भी पैसा देने कौन क्यों आता? तुम्हें क्या लगता है रौनक कि जो कस्टमर तुम्हारे पास आया है वो क्या अनपढ़ है? जिस कस्टमर तुम्हारे पास आएगा अपना महंगा मोबाइल लेकर, उसको क्या मोबाइल खोलना नहीं आएगा? वो तो फिर यूट्यूब से देखे, जब वो खुद ही कर लेगा तो तुम्हारी क्या ज़रूरत है, ये बात क्यों नहीं सोचते? तो ये सब आप जितना ढूंढोगे अपनी लाइफ का टाइम उतना बर्बाद करोगे,
मेरे पास मत आओ, मेरे इंस्टीट्यूट मत आओ भाई, मेरे इंस्टीट्यूट में प्रोटोकॉल बहुत टाइट है, आप पढ़ नहीं पाओगे, 12 घंटे नहीं कर पाओगे आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में जाओ जो आपके अगल बगल हो और जो एक आध दो घंटे या दो चार घंटे की पढ़ाई पढ़ाता हो, कुछ तो करो पर जाओ। अगला लेते हैं, रौनक ने बोला लाजवाब सर, थैंक यू वेरी मच रौनक, आपको मैंने इतना सुना, आपको सुनाया नहीं मेरे बात दोस्त, आपको मैंने सही राय दी, ठीक है। माँ बाप, बाप हमेशा डांट कर अगर कोई चीज़ बोलता है तो वो आप अपने बच्चे के भले के लिए बोलता है। आपके दोस्त हो सकता है कि आपको गुमराह कर सकता हूँ, हो सकता है कि चल भाई टाइम पास कर, चल सिगरेट पी, नहीं मैं आपका बाप बन के आपको डांटूंगा ताकि आप सही दिशा में जाएं, और मैं बहुत कड़क हूँ सर। आप इंस्टीट्यूट आओगे ना तो आपको खुद पता चलेगा। खैर, मोनू वर्मा सोल्यूशन डाल दीजिए सर, मैंने बोला सर चेक करो, दे दिया है सर। मोटो J4 प्लस वॉल्यूम डाउन वर्क नहीं कर रहा है, चेंज कर लिया पत्ता उसके बाद भी, तो आप देख सकते हैं मैंने सोल्यूशन दिया है कि सप्लाई चेक करो, 1K का सीरीज रजिस्टर लगा होता है और उसकी सप्लाई खोल के देखो मोटो J4 प्लस में। पहले आप CPU देखो कि कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है, क्योंकि मॉडल से कोई फर्क नहीं पड़ता, CPU वाइज काम होता है। आप ये चेक करो क्वालकॉम है, मीडियाटेक है, फिर ये चेक करो पावर डाउन जो की है, जो आप कह रहे हैं ना पावर की डाउन की इज़ नॉट वर्किंग, सो ये चेक करो उसकी सप्लाई पे पहले GR मतलब कुछ पल्स रेजिस्टेंस किसी प्रकार की रीडिंग कूल टेस्टिंग में डायोड मैटर पर, मल्टीमीटर को इस मोड पे जैसे कि दिख रहा है इस पर सेट करो और चेक करो कोई रीडिंग आता है कि नहीं। अगर रीडिंग आता है तो ये मान के चलो ट्रैक ओके है सोर्स लाइन को, और रीडिंग नहीं आता है तो कहीं ना कहीं लाइन ओपन है तो उस पर एक 1K का सीरीज रजिस्टर हो सकता है, या तो वो इस पर्टिकुलर IC से आएगी। अब ये चेक करो कि वो PMI से आ रहा है या डायरेक्ट पावर से आ रहा है या CPU से आ रहा है, तो ये आपको डायग्राम खुल के ही पता आप कर पाएंगे। तो उसके बाद में आया है सर, मेरे पास एक iPhone 7 था, उसमें 1440 का एरर था, मोबाइल स्कीमेटिक सॉल्यूशंस वाओ गुड नेम था, उसमें NAND निकाल दी और फिर दूसरी लगा दी इन्होंने, पहले वाली NAND का डाटा नहीं ले पाया, अब कैसे मैं अपने डाटा में न्यू डालूं और मेरे पास आई रिपेयर 12 बॉक्स। सदा ने किएगा कभी भी NAND निकालें तो उसके आप सबसे पहले बैकअप फाइल बना लें, जो कि इन्होंने नहीं बनाई है, तो बैकअप फाइल बनाना बहुत ज़रूरी है। पर अगर हम दूसरे में अगर दूसरा सीरियल नंबर डाल भी देते हैं तो आप सीरियल नंबर परचेस कर सकते हो, आपको बहुत सारे लोग हैं जो सीरियल नंबर बेचते हैं, यूट्यूब देखो सर्च करो, मैं अभी यहाँ पर तो नाम नहीं दे सकता बता सकता उनका, क्योंकि हम तो पर्सनल खरीदते हैं, आप देखिए आप कहाँ से खरीद सकते हैं, क्योंकि आईफोन का काम कर रहे हैं, NAND निकाल रहे हैं, कहीं ना कहीं से तो सीखा होगा, पूछिए उनसे, नहीं सीखा देख कर निकाल रहे हैं तो सीखिए मेरे दोस्त, क्योंकि एक गुरु का होना बहुत ज़रूरी है जो ऐसे सोल्यूशंस आपको इमीडिएटली दे सके। सो रिपेयर पी हो जाएगा कोई वर नहीं, P12 बॉक्स है। अच्छा, इनके बाद आई रिपेयर P12 बॉक्स है, पहले तो मैं बता दूँ P12 बॉक्स में आप NAND निकाल कर या P12 आपके पास है तो उसमें ना X सीरीज की लगती है, मतलब BJ110 लगती है उस, और इसमें ना BJ70 है, तो ये तो पता नहीं कैसे करेंगे आप, क्योंकि इसमें आप केवल कनेक्ट कर पाएंगे अपने पर्पल मोड से, तो ये भाई इसके लिए आपको ना डेडिकेट बॉक्स चाहिए और डेडिकेट ई कनेक्टर ई सॉकेट चाहिए जो कि है BJ70 का, ठीक है। अब वो कोई सा भी हो, P12 तो मेरे ख्याल से VGA 110 का बॉक्स है, सो उससे तो हो भी नहीं पाएगा, तो आप निकालने से पहले आपको देखना चाहिए था ना कि आप NAND निकाल रहे हो और फिर उसको आपने डाटा वाट फिर NAND निकाल दी और उसके बाद दूसरी भी लगा दी, बिना कैसे कैसे दूसरी लगा देते हैं, मतलब सही नॉलेज नहीं है आपको, ये मैं समझ सकता हूँ। खैर ठीक है, गुड वर्क सर। खत्री बॉय कह रहे हैं सर जी सिंगल CPU था क्या, आपने जो फ़ैन लिया है वो कहाँ से? हाँ यार, ये जो फ़ैन है ना, ये देखो, ये 2UUL का फ़ैन है, 2UUL का फ़ैन है। एक फ़ैन और है मेरे पास, मैं दिखा देता हूँ, और वो मैंने कहा से कोई ले गए यहाँ से उठाकर, ये है। तो ये तो यार Amazon में मिल जाएगा 250-300 रुपये का, फ़ोटो खींच लो गूगल लेंस में डाल दो, या तो उसको बोलो पोर्टेबल DC, या तो बोलते ना बैटरी रिचार्जेबल फ़ैन, ठीक है। और ये आपको ZX मलिक से मिल जाएगा, अब मैं नंबर डाल दूंगा, आप उनसे परचेस कर लो। सर बक लाइन पे कितना वोल्टेज आता है? वाह वाह, बक लाइन पे वोल्टेज अगर मैं आपको बोलूँ बक लाइन पे 0.7 आता है या 0.9 आता है, या कुछ मिनिमम से मैक्सिमम बताऊँ, और मान लो नहीं आया तो आपका अगला सवाल फिर आ जाएगा सर कहाँ से आता है। अगर मैं बोलूँ पावर से आता है, फिर अगला आ जाएगा पावर चेंज कर दिया अभी भी नहीं आया, फिर मैं बोलूँ फीडबैक आता है उसको CPU से, फिर CPU, तो यार सब सवाल ही सवाल करने हैं, तो सीख लो ना यार, अली सीखो यार सीखो, ऐसा नहीं चलेगा भाई,
काम कर रहे हो और अगर प्रोफेशनल प्रोफेशन बनाया है सो भाई बी जिसको बोलते हैं बी सीरियस ऑन नोट। अगर आपको लगे कि कोई भी चीज़ फ्री में सीख मिल जाए सीख जाए तो आप ये बताओ क्या आप इसको कोई आदमी आपको इस चीज़ के पैसे देगा क्या? नहीं देगा ना, क्योंकि फ्री की चीज़ सीखी हुई तो वो दुकान वाला क्या है जिसका मोबाइल है वो खुद ही बना लेगा जब इतना आसान होगा तो। कठिन है तभी तो आ रहा है आपके पास और आप भी YouTube देख के बना रहे हो तो कैसा चलेगा। क्रॉसिंग किंग, वाओ वेरी गुड नेम सर। जियो का F50Y फोन में हैंग है उन लोगों आ रहा था, हार्ड रिसेट कर दिया लेकिन नहीं हुआ, फिर इन्हें मिरेकल के क्रैक से वेरी गुड फ्लैश किया, ऑन करने पर कॉलिंग चालू हो गया। कॉलिंग मतलब मेरे ख्याल से ये लिखना चाहते हैं चालू हो गया, लेकिन लोगों पर ही अभी भी है और डिस्प्ले की लाइट बंद होने के बाद भी दबाने पर सिर्फ कीपैड में लाइट जलता है। सर क्या करें, डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रहा है। तो क्या करें यार, इसमें क्या कर सकते, हमने तो कोई ना MMC निकाला ना CPU निकाला तो ये भी नहीं बोल सकता कि किसी को हीट लग गया है। तो मेरे भाई सही फाइल से फ्लैश करो, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये दुर्गेश कुमार सर, मेरे पास दो फ़ोन आया है, Realme 2 आया है। अच्छा Realme 2 है, इसमें प्रॉब्लम है फोल्डर लगाने में पावर AC के पास हीट होकर टच काम नहीं कर रहा है। सो क्या प्रॉब्लम है यार, पावर AC फोल्डर हो सकता है आपने कॉपी लगाया हो, फोल्डर में टच में जो कंपोनेंट होते हैं वो प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। अब वो पावर AC क्योंकि हीट कर रहा है, क्योंकि पावर AC टच को एक VDD वोल्टेज देता है 1.8 VIO वोल्टेज। तो जब उसकी लाइन से अगर आप कोई कंपोनेंट निकाल देंगे उसके प्रोटेक्शन हटा देंगे तो वो हीट होगा, ऑब्वियस है, तो ये कारण है। कर भी मेरे पास दो मोबाइल डेड हो गए और MI और JSM प्राइम आपके इंस्टीट्यूट में रिपेयर कराने भेज सकते हैं क्या? सेंड अस नंबर, मैसेज में यहाँ पर आपको दे दिया है रिप्लाई, सेंड कर दो यार। I2C प्रोटोकॉल समझाओ मनीष लिम्बानी को। सो मनीष लिम्बानी, I2C प्रोटोकॉल पर डिटेल वीडियो बनाओ। बनाएंगे यार, वो भी बनाएंगे, पर वो बना चुके हैं, बट ठीक है बनाएंगे। पर यार सही में देखो ना, YouTube में सर्च करोगे ना हज़ारों वीडियो है यार, पर समझ में नहीं आ रहे होंगे ना। सो मनीष क्यों, क्या रीज़न है? क्योंकि सही तरीके से नहीं सीख रहे ना यार। IIC सर्किट मतलब इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब एक प्रोटोकॉल, एक सीरियल डाटा सीरियल क्लॉक का आप जानना चाहते हैं कि आपके फ़ोन में कहाँ कहाँ आते हैं डीप लेवल पर, बिल्कुल पुल अप रजिस्टर के साथ, किधर स्लेव किधर मास्टर सब बताएंगे, क्लास ज्वाइन करने के बाद सब बताएंगे, बट एक वीडियो बना देंगे। पर वीडियो बनाने के बाद में क्या होगा मनीष, आपको कम समझ में आएगा, इंस्टीट्यूट वालों को ज़्यादा आएगा, जो आधा था वो पूरा हो जाएगा और आप आधे के आधे रहोगे। सो यार प्रॉब्लम यही है ना यार। IMAX मोबाइल गुड वर्क, थैंक यू। शुभम कुमार सर, कितने दिनों में अच्छे से परफेक्ट हो जाता है और कितने दिन में नॉलेज मिल जाती है? वाओ शुभम ने बहुत अच्छी बात कही है यार, इस पर मेरे को बनता है जवाब देना। शुभम 2 दिन हो गए आपको ये जवाब, मैंने दे भी दिया नीचे से, आप देख सकते हैं। तो थैंक्स सर, वो तो मैं दे ही दूंगा, पर मैं अपडेट होना चाहता हूँ, ऑनलाइन ट्रेनिंग ली थी पर मैं कुछ समझ नहीं। अरे वाह देखो मैंने लिखा कि तुम अपनी पूरी लाइफ देनी होगी यार, पूरी लाइफ। आप कितने समय में सीख सकते हो? ये कोई सब्जी बना रहे हो क्या? 5 मिनट में सब्जी मैगी बना रहे हो क्या? 2 मिनट में मैगी उबल गई। अब मैगी का कलर अगर रेड आता है तो सही है, ग्रीन आता है तो सही नहीं है, और पर्पल आ गया तो बिल्कुल सही नहीं है। क्या आप अपनी ज़िंदगी में कलर देखना चाहते हो क्या? क्या है आपको, क्या लगता है इलेक्ट्रॉनिक फील्ड क्या है मेरे भाई? ये एक सागर है, ये एक यूनिवर्स है। लोग आज भी ग्रहों को ढूंढ रहे हैं, साइंटिस्ट अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ एक ग्रह को निकालने में लगाता है। लोग बोलते हैं नहीं निकालेगा, पर उसने बोला कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल दूंगा, और निकल गया तो नोबल पुरस्कार लेके जाऊंगा, नहीं निकला तो मर जाऊंगा। वो क्यों नहीं सोचता कि चलो आओ कंपनी में काम करके 10 लाख का पैकेज में चलो आओ मौज करें। यार कोई बड़ा काम करना है ना तो सब छोड़ के करना पड़ता है यार। तो थैंक्स कर, इन्होंने जवाब दिया है, सब लोग सुने, थैंक्स सर जी, वो तो मैं दे ही दूंगा, बहुत आसान है ऐसा लगता है भाई, आसान नहीं है। 4 साइड डेड होते हैं ना तो फिर काम छोड़ने की इच्छा हो जाती है हर 2 सेकंड के बाद। मैं अपडेट होना चाहता हूं, और पहली बात तो आपके लिए आसान तो बिल्कुल भी नहीं है, ऑनलाइन ट्रेनिंग ली है। क्या लगता है ऑनलाइन ट्रेनिंग मतलब, जब मैं कार चला रहा हूं, क्या लगता है कि मैं कार चलाना ऑनलाइन सीख जाऊंगा? क्यों पैसे बर्बाद किए रे, कुछ समझ में नहीं आया। इन्हें कहा है ऑनलाइन ट्रेनिंग की है, कुछ समझ में नहीं आया, और अच्छे से लिए तो आपके ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ रिव्यू देख कर। भाई मेरे अगले दिन ज्वाइन कर ले, अगले दिन
गौर शुभम कुमार, मैं इस वीडियो में तेरे को 100% की गारंटी देता हूँ, शुभम कुमार को बस और किसी को नहीं, बाकी मेरे इंस्टीट्यूट जो बैठे हैं उनको भी नहीं, सिर्फ शुभम कुमार को, कि अगर तुम आएगा ना चौथे दिन या तीसरे दिन मैं पूछूंगा पैसे वापस चाहिए ना, तो तू मांगेगा तो दे दूंगा, ये सिर्फ शुभम कुमार के लिए, डन। चलो आगे बढ़ते हैं, पर मेरे को नहीं लगता तू मांगेगा, तू बोलेगा सर पैसा वसूल, और ब्याज मिलना चालू हो जाएगा तेरा तीसरे दिन के बाद। वैसबा, थैंक यू सो मच, आपने मेरे कमेंट पे लिया, यार ऐसा कुछ भी नहीं यार, क्या बात कर रहे हो आप, कमेंट करते हो यार मुझे, चार पांच कमेंट में एक कमेंट आपका रहता है यार, क्या चाहिए हमको, कोई हमको कोई 50,000 कमेंट नहीं चाहिए सर, चार पांच कमेंट में हम खुश हैं, आई एम हैप्पी, क्योंकि हमें रियल पर्सन चाहिए, फेक नहीं, हमें बाईपास वाले लोग नहीं चाहिए। अब ये आया है कुछ रामू के एस में, सर इनका फ़ोन का सुन लो भाई, बहुत लंबा चौड़ा है, तो इन्होंने बताया स्टक ऑन दिस प्रॉब्लम, वन ऑफ माई कस्टमर फोन नाजरो 20 इज डेड आफ्टर अपडेट, इन्होंने सीधा रिमूव इमएमसी उठा दी, फ्लैश थ्रू इजी जेटेक 3 times, 2 times, नाउ द फोन इज डिस्प्ले ऑल बट सो द मैसेज करंटली इमेज बूट रिकवरी हैज बीन डिस्ट्रॉयड एंड कैन नॉट बूट, प्लीज फ्लैश द करेक्ट इमेज, फलाना दिखाना, व्हेन आई चेक द हेल्थ रिपोर्ट इट सेज सो एसएलसी नॉट डिफाइंड एंड एमएलसी 10 to, भाई एसएलसी इज नॉट डिफाइंड है तुम्हारा हेल्थ, तो भाई कैसे बनाएगा ये, कैसे होगा, आई ट्राई टू जीपी पार्टी वन सेम प्रॉब्लम, चेंज योर एमएमसी देन व्हाट नथिंग एल्स। विमल जना, सॉफ्टवेयर एमएमसी क्लास में स्टूडेंट रिव्यू प्लीज, या विमल प्लीज यार तुमको ना प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा, फेसबुक में जाओ, फेसबुक में लिखो एशिया टेलीकॉम, अभी अभी दुर्गेश सर ने अपनी क्लास का टाइम किया यार, क्या पढ़ाया है, मैं मानना पड़ेगा सर का नॉलेज काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी सालों से पढ़ा रहे हैं, जाओ यार उनके चैनल पे जाओ स्मार्ट टेलीकॉम, यार बहुत कुछ देखने को मिलेगा दुर्गेश सर, सो हैंड्स ऑफ दुर्गेश सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, ये बात तो बच्चा वही बोलेगा जो यहाँ से पढ़ कर गया, खैर तो यार एक बार फेसबुक में जाओ उनका देखो, मैं एक बार यहाँ पे चित्र दिखा रहा हूँ, ठीक है। फैजान वर्सी, माइक्रोस्कोप की सेटिंग कैसे होती है 7 and less, यार माइक्रोस्कोप की सेटिंग के लिए ना एक वीडियो बनाऊंगा यार अभी, क्योंकि सेटिंग क्या होती है ना लेंसों की, ये देख रहे हैं आप, तो सेटिंग की जो इन दोनों की सेटिंग है उसको प्रॉपर माइक्रोस्कोप के हिसाब से मैं समझा के ज़रूर वीडियो बना दूँ। विमल के बाद आपके इंस्टीट्यूट एडमिशन के लिए लेने के लिए क्या करें भाई, कॉलिंग करो, कॉलिंग अभी फी अभी मिल जाएगा, सीट है सिर्फ 2 या 3 सीट बचा है 28 अप्रैल का, क्योंकि रमज़ान चल रहा है, बहुत सारे हमारे मुस्लिम भाई हैं इस वजह से नहीं आ रहे, बट जो भी अगर आना चाहें तो बिंदास आइए, ईडी हमारे साथ मनाएंगे। हाँ सर, मैक्स 2 का टच 10 से 15 सेकेंड के बाद चलना बंद हो जाता है, फिर फ़ोन को 1-2 घंटे के बाद रीस्टार्ट करना पड़ता है, तो अगर 10 से 15 सेकेंड का टच चलना बंद हो जाए तो मेरे को लगता है कि पहले तो फ्लैशिंग कर लो, नहीं हुआ तो सीपीयू रिबॉल करना पड़ेगा, ठीक है। श्याम सुंदर शाह ने बोला इजी टेलीकॉम इज द बेस्ट, थैंक यू श्याम सुंदर। खत्री बॉय बोलते हैं सर नोट 10 प्रो है 10 मिनट के बाद टच बंद हो जाती है और स्विच ऑफ करने के बाद फिर चालू हो जाती है, फिर थोड़ी देर बाद बंद हो जाती है, या मैं फिर से कह रहा हूँ एक बार फ्लैश कर लो, सॉफ्टवेयर अपडेट करो फिर उसके बाद में, नहीं तो ये भी सीपीयू के मसले हैं, वोल्टेज का कोई सीन नहीं है इसमें, जो प्रोटोकॉल की लाइन होती है ना वो लाइन चेक करनी होती है, बट अभी बार रिबॉली करोगे 1 time सोल्यूशन नहीं है। रियाज सैफी, वीवो Y21 में 0% बैटरी का एरर कहाँ से आता है, भाई बैटरी का 0% एरर उसकी इंडिकेशन लाइन से आता है, जिसको बैट आईडी बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन, सो मुझे लगता है कि वो चेक करो पावर आईसी में चेंज करने से, और सेंसर रजिस्टर तो होता है बी बैट सेंस नेगेटिव पॉजिटिव, हाँ वो परसेंटेज क्यों, वो तो आपको सेंस करते हैं ना आपकी, आपका जो बैटरी लगता है तो वो आपको सेंस करता है, उसमें आई सेंस और बैट सेंस होता है, सो आपने ना BSI का लाइन चेक करो उसमें। रियलमी सी टू चार्जिंग एरर आ रहा है, तो भाई एरर चार्जिंग का हो तो उसमें भी आप पहले BSI का लाइन चेक करो, क्योंकि कई बार लोगों को पता नहीं होता ना चार्जिंग का एरर है कि क्या है। टेम्परेचर लेकर आ रहा है तो ये भी आपने चेक करना है, क्योंकि रियलमी और ओप्पो के फ़ोनों में जनरली ये आपके अप्रॉक्सीमेटी सेंसर से भी ये फॉल्ट आते हैं, बट चार्जिंग एरर है, पत्ते चेक करो, CC चेक करो, ये चेक करो कि 5 volt ऊपर पहुँच रहा है, चार्जिंग है इसी में चेक करो, ये चेक करो कि तुम्हारा जो बक कॉइल लगा हुआ है उस पर वोल्टेज स्विचिंग बन रहा है कि नहीं बन रहा है, जो बूट कैपेसिटर उस पर वोल्टेज बन रहा है, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें चेक करनी होगी, और इसमें एक बार बैटरी ज़रूर चेंज करके देखना, क्योंकि ज़्यादातर बैटरी के फॉल्ट भी होते हैं ये।
प्रदीप सिन्हा सर, रेडमी 8 है ओनली लोगो पर आ रहा है फ्लैशिंग कंप्लीट होने के बाद भी। सो भाई MMC ISP करो पहले तो उसकी, नहीं तो MMC निकाल के उसको चेक करो। लोगो पे आने का प्रॉब्लम क्या होता है कि ज़्यादातर हेल्थ इशू की वजह से होती है, MLC और SLC, क्योंकि मुझे लगता है इसका SLC कॉलकम का सेट है ये, तो कॉलकम में SLC भी डैमेज होने की वजह से ये सेट लोगो पे आ जाता है, पर जनरली मीडियाटेक होता तो SLC डैमेज होने पर ये डैडी हो जाता, बट यहाँ पर ये लोगो पर भी आ सकता है, सो हेल्थ का इशू हो सकता है। व्हेनेवर रिकॉर्डिंग स्टार्टिंग सो हार्डवेयर यूज बाय सम अदर ऐप, ओके तो एक बार रिसेट करके देखो, नॉर्मल फ्लैश करो, ये कुछ बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। 1+7 ईयर स्पीकर माइक इज़ नॉट वर्किंग। समीर मैं बता दूँ, इसमें ऑडियो IC का फॉल्ट है, WCD लगा होता है, वो निकाल के लगाओ, चेंज करो, चेंज ही होगा, रिवॉल्व तो नहीं होगा, 101% सोल्यूशन। KK मैंने इसे टेलीकॉम की सीट बुक किया था लेकिन मेरी फैमिली में प्रॉब्लम हुआ, पर सर मैं फिर से इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहता हूँ। बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर आप कॉल कर लीजिए, दे दिया है। और यहाँ पर और भी पूछा है, सर मुझे कंफ्यूज है कि डायग्राम टूल की आज की तारीख में कौन सा बेस्ट रहेगा, बोर्ड नहीं, मेरे ख्याल से सारी चीज़ मैं ले चुका हूँ। सो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, आए हो आपको वीडियो से सीखने को बहुत कुछ मिला हो, और आपने भाई मेरे को झेला हो, मेरी बातों को झेला हो, बट मैं इस फील्ड में अपने लोगों को अच्छा नॉलेज दे सकता हूँ, ये बात तो है, और आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ, क्योंकि मैं अपनी फील्ड में 24 घंटे वाला काम करके अपने आपको उतने लेवल पर रखा है कि आपको मैं वो सब दे सकता हूँ। कि आप अगर अच्छा नॉलेज लेना चाहते तो एक बार ऐसे डेरे को माओ और विश्वास करो, यहाँ ना आपको किसी चीज़ की डरने की ज़रूरत है, ना आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि सीखेंगे नहीं सीखेंगे, हम अपनी जिम्मेदारी पे आपको सिखाएंगे। और दूसरी बात, अगर आप इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं, आप बड़ा काम करना चाहते हैं, तो भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको लेवल उतना ही देंगे, और ज्वाइन करो इस टेलीकॉम। थैंक यू।